बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, इसके अंदर हम आपके साथ लीट कोड के प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं ताकि आप उन प्रॉब्लम्स को जो है वो अटेम्प्ट करें और उनसे रिलेटेड जो है वो गाइडेंस आपको देते हैं ताकि अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उस प्रॉब्लम को ओवरकम करते हुए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कॉन्फिडेंस गेन करें, आप डेटा स्ट्रक्चर्स की एप्लीकेशन सीखें, डेटा स्ट्रक्चर्स के कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करें, और ओवरऑल जो है वो अगर डेटा स्ट्रक्चर्स से हटके भी प्रोग्रामिंग को अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा आप इससे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है वो किसी पर्टिकुलर लीट कोड की प्रॉब्लम के लिए नहीं है, बल्कि इन जनरल ग्राफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए है कि आप किस तरह से जो है वो एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम जो है ट्रॉय प्रॉब्लम, बेबी प्रॉब्लम हम डिस्कस भी करेंगे, फाइंड इफ पाथ एग्जिस्ट इन ग्राफ, और वो भी एप्लीकेशन ही होगी फर्दर एडजेसेंसी लिस्ट की। तो फोकस हमारा इस चीज पे है कि आपने एडजेसेंसी लिस्ट किस तरह से क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले समझते हैं बात को कि अगर आपके पास स्पार्स ग्राफ हैं तो उनको आसानी के साथ किस तरह से स्टोर किया जा सकता है जिसमें स्पेस जो है वो बहुत ज्यादा कम यूज होगी। ठीक है, स्पार्स ग्राफ किसको कहेंगे कि अगर आपके पास एक ग्राफ है और उसके अंदर 10 वर्टेक्स हैं तो 10 वर्टेक्स के दरमियान जो है वो कुछ 45 एजेस हो सकते हैं। ठीक है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे से कनेक्ट हो सकता है, बी जो है वो ए सी डी ई एफ जी एच आई जे से कनेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास 8, 10, 15 एजेस हैं तो इसका मतलब है वो एक स्पार्स ग्राफ है, यानी उसमें जो पॉसिबल एजेस हैं उससे कई गुना कम एजेस जो है वो आप स्टोर करना चाह रहे हैं। तो वहां पे एडजेसेंसी मैट्रिक्स और एडजेसेंसी लिस्ट वगैरह जो है वो आपकी स्पेस जो है वेस्ट करती है, जबकि सिंपल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि आप जो है नंबर ऑफ नोड्स जो है वो स्टोर करें, नंबर ऑफ वर्टिसेस और नंबर और एजेस की डिटेल सेव करें कि एजेस जो है वो आपके पास कौन कौन से हैं। इस एग्जांपल में बाय चांस 3 ही वर्टिसेस हैं और 3 ही एजेस हैं और ये ग्राफ जो है ये अनडायरेक्शनल है और इसके अंदर एजेस जो है बाई डायरेक्शनल है, इनका मतलब ये है कि आप 0 से 1 पे और 1 से 0 पे भी जा सकते हैं, 1 से 2 और 2 से 1 पे भी जा सकते हैं। तो ये जो एक इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है 0, 1, इसका मतलब है देयर इज अ पाथ फ्रॉम 0 to 1 एंड 1 to 0। ठीक है, इसी तरह ही 1, 2 का मतलब है देयर इज अ पाथ बिटवीन 1 एंड 2 एंड 2 एंड 1। अब इसको प्रोसेस किस तरह से करेंगे ये हम डिस्कस करते हैं, लेकिन और वहां पे क्या प्रॉब्लम आएगी इस पर भी डिस्कस करते हैं। एक और एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास ये एक ही ग्राफ है बाय द वे, और ये ग्राफ की डेफिनेशन में आता है कि ग्राफ के अंदर मल्टीपल डिसकनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 हैं तो आपके पास 6 वर्टिसेस हैं, 0, 1, 2 एक कंपोनेंट और 3, 4, 5 दूसरा कंपोनेंट, और ये दोनों मिला के एक ग्राफ बन रहा है जिसके अंदर 6 वर्टिसेस हैं और 5 एजेस हैं। सो वी हैव स्टोर्ड 0, 1 एज, 0, 2 एज, 3, 5 एज, 3 to 4 एज एंड 4 to 5 एज। सो नाउ 4 to 5, 5 to 4 डजंट मैटर, 4 to 5 मीन 5 to 4 एज वेल। ठीक है, अब ये आपके पास स्पेस तो इससे बहुत ज्यादा बचती है, लेकिन जब हम इस पे कोई कंप्यूटेशन करने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये एक एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल में आपके पास 5 एजेस हैं और आपके पास 100 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो आपको जो है इन वर्टिसेस को बार 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 ट्रेवर्स करना पड़ेगा, हर इन एजेस को हर वर्टेक्स के लिए जो है वो ट्रेवर्स करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आपके पास जो है फॉर एग्जाम्पल इफ वी वॉन्ट टू चेक कि इज देयर इज अ पाथ बिटवीन 80th नोड टू से 86th नोड। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले 80 और 86 कहीं भी नहीं मिल रहा। ठीक है, चलेंगे ये तो एक हो गया, लेकिन लेट सपोज कि अगर मुझे ये देखना पड़ता है कि क्या 30th नंबर नोड से जो है वो 94 नंबर नोड को कोई पाथ है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ 30 भी मौजूद है या 94 भी मौजूद है। ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम कैसे करना पड़ेगा, पहले मुझे 30 फॉर एग्जाम्पल ढूंढना है, 30 के साथ 94 नहीं आ रहा, 1 आ रहा है, फिर मुझे 1 से ढूंढना है कि 1 से तो नहीं कोई पाथ जाता 94 को। ठीक है, तो कोई भी पाथ नहीं है।
लेकिन सपोज करें कि अगर कोई होता तो फिर मुझे उससे आगे चलना था और मुझे बार बार जो है ये वर्टिसेस जो है इनको वो करना पड़ना था, क्या कहते हैं, ट्रेवर्स करना पड़ता था, जो कि कॉस्टली हो सकता है अगर मेरे पास एजेस थोड़े से भी ज्यादा हो। लेट्स सपोज मेरे पास जो है एक बड़ा ग्राफ है जिसमें 10,000 वर्टिसेज हैं और उसके मेरे पास कोई 1,000 10 टाइम्स कम एजेस हैं, तो 1,000 को मुझे 10,000 टाइम जो है वो करना पड़ेगा, ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सो एडजेसेंसी लिस्ट जो है वो है क्या चीज, उसको समझ लें। ठीक है, अगेन इसी इनपुट को लेते हैं और इससे ये एडजेसेंसी लिस्ट क्या बनेगी, 0 to 72 एक पाथ है, 1 to 30 एक पाथ है, 2 से कोई पाथ नहीं है, 3 से 49 पे एक पाथ है, 4 से कोई पाथ नहीं है, 5 से 83 की तरफ भी है और 94 की तरफ भी है, इसी तरह 6 से कोई पाथ नहीं है, 7 से कोई एज नहीं है, 8 से कोई एज नहीं है, एंड सो ऑन चलते चलते फिर 30 से 1 की तरफ एज है, क्योंकि एज बाई डायरेक्शनल है, जब 1 से 30 की तरफ है तो 30 से 1 की तरफ भी है, इसी तरह ही 49 से 3 की तरफ है, 72 से 0 की तरफ है, 83 से 5 की तरफ है, 94 से 5 की तरफ है। अब इसमें हम दो दो दफा स्टोर कर रहे हैं, उससे अब इससे फायदा क्या होता है कि आपके पास जब ये एडजेसेंसी लिस्ट बन जाती है और आप किसी नोड एक्स से किसी नोड वाई का पाथ देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ उस रो में जाएंगे जिसको आप देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं क्या मैं 83 से 94 पे जा सकता हूँ कि नहीं, तो आप 83 वाली रो में जाएंगे और आप वहां पे जाके देखते हैं वहां 94 तो नहीं है, वहां 5 है। ठीक है, तो आप 5 वाली रो में चले जाएंगे और 5 वाली रो में आपको 94 मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से पाथ मिल जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट बनने के बाद तो देखते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे हैं। एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम ये है कि हमारे पास एजेस दिए हुए हैं, आपने नंबर ऑफ नोड्स के मुताबिक एक लिस्ट लेनी है जिसके अंदर एन लिस्ट्स होंगी, यानी जितने वर्टिसेस हैं उतनी लिस्ट। ठीक है, वो एम्प्टी लिस्ट ले लें, उनमें से हो सकता है बहुत सारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी रह जाए, लेकिन एम्प्टी से भी हमें पता तो चल जाएगा कि इसके साथ कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी 86 वाली लिस्ट अगर खाली है तो इसका मतलब 86 से कोई भी एज नहीं निकल रहा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये लिस्ट खाली लेने के बाद आपने एजेस पे लूप लगा देना है और आपने जो एजेस हैं हर एज के लिए जो दोनों वर्टिसेस हैं, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन, वो असल में दोनों सोर्स हैं और दोनों डेस्टिनेशन है, यानी 0,1 का मतलब है कि एज 0 से 1 की तरफ भी जा रहा है और 1 से 0 की तरफ भी जा रहा है, तो आपने ये दोनों एडजेसेंसी लिस्ट में ऐड कर देने हैं, यानी आपने ये जो एम्प्टी लिस्ट बनाई है इसके 0 इंडेक्स पे जाके 1 ऐड करा देना है और इसके 1 इंडेक्स पे जाके 0 ऐड करा देना है, जिस तरह नीचे आपको लास्ट रो में ये कुछ एग्जांपल्स नजर आ रही हैं कि 0,2 के केस में हम 0 पे जाके 2 और 2 पे जाके 0 ऐड करा देंगे, 3,5 के केस में 3 के आगे 5 और 5 के आगे 3, 5,4 में इसी तरह ही 5 के सामने 4 और 4 के सामने 5। तो ये इस तरह से एडजेसेंसी लिस्ट आपकी बन जाएगी जिसमें आपको जो है नंबर ऑफ एजेस के लिए एक दफा काम करना पड़ेगा। यानी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि आपने एन जो है वो एम्प्टी लिस्ट सेट करवाई और उसके बाद आपने जो है वो एजेस के ऊपर एक लूप रन किया और ये आपने एडजेसेंसी लिस्ट तैयार कर लेनी। अच्छा जी, एग्जाम्पल एक मजीद देखते हैं। एजेस है हमारे पास 0, 1, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 5, 7, तो इसके लिए हमारे पास एडजेसेंसी लिस्ट क्या बनेगी, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 2, 4। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ ना, 1 से 2 के तरफ का मतलब है 2 से 1 भी है, 2 से 3 का मतलब है 3 से 2 भी है, 2 से 4 का मतलब है 4 से 2 भी है, जैसे यहाँ पे आपको 3 2 नजर आया, 4 2, 5 के आगे 6 7, 6 के आगे 5, 7 के आगे 5, दिस इज आर एडजेसेंसी लिस्ट। ठीक है, तो ये जो आपके पास ऊपर एजेस की इंफॉर्मेशन है इससे हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना लेनी है जिसके अंदर जो है वो रोज कितनी होंगी, जितने वर्टिसेस हैं और जितने जितने उसके आगे एजेस निकल रहे हैं, ठीक है, वो उसके आगे इंफॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, तो इस एडजेसेंसी लिस्ट की मदद से हम ये एक प्रॉब्लम जो मैंने कहा था इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले मैं एल्गोरिदम एक दफा फिर आपके सामने रिपीट कर दूं, क्योंकि ये एसेंस है हमारे आज के लेक्चर का, कि आपने क्या करना है कि आपने नंबर ऑफ एजेस आपके पास गिवन है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टिसेस गिवन है,
आपने एम्प्टी लिस्ट लेनी है जिसके अंदर एन एम्प्टी लिस्ट्स होंगी, ठीक है। यानी या आप कह लें इसको इस तरह कि आपके पास 2D अरे है, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो पहली जो आपके पास डायमेंशन है उसके अंदर एन रोज हैं, और जो उसके अंदर एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर 2D लिस्ट नहीं होगी क्योंकि फिर तो बहुत ज्यादा टाइम वो वेस्ट होगा, फिर तो वो एडजेसेंसी मैट्रिक्स बन जाती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एडजेसेंसी मैट्रिक्स, उसके लिए भी जा सकते हैं आप अगर आपके पास जो है वो स्पार्स ग्राफ ना हो बल्कि डेंस ग्राफ हो जिसमें बहुत ज्यादा एजेस हो, तो फिर हम एडजेसेंसी लिस्ट की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स की बात करें जिसमें आपके पास जो है वो जो रोज हैं वो तो वर्टिसेस के बराबर है, और कॉलम्स जो है वो डिपेंड करता है कि उससे कितने एजेस जो है वो एक वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। तो आपने ये एम्प्टी लिस्ट लेने के बाद क्या करना है, लूप रन कर लेना है फॉर ईच पेयर, और उस पेयर के अगेंस्ट जो है वो आपने दूसरे वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन डाल देनी। यानी हर पेयर में दो वर्टिसेस हैं, तो एक वर्टेक्स जो है उसके अगेंस्ट दूसरे की इंफॉर्मेशन और दूसरे वर्टेक्स के अगेंस्ट पहले की इंफॉर्मेशन। तो ये इस प्रोसेस में आपकी एडजेसेंसी लिस्ट बन जाएगी। अब उस एडजेसेंसी लिस्ट को हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। प्रॉब्लम समझ लें, बाई डायरेक्शनल ग्राफ है यानी कि अनडायरेक्शनल कह लें इसको, और उसके अंदर एन वर्टिसेस हैं वेयर ईच वर्टेस इज लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। द एजेस इन द ग्राफ आर रिप्रेजेंटेड एज अ टू इंटीजर अरे एजेस वेयर ईच एज आई इज यू आई कॉमा वी आई। यानी हर एज जो है वो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स की तरफ जा रहा है, जो कि डिनोट करता है बाई डायरेक्शनल एज, कि हम यू आई से वी आई पे भी जा सकते हैं, वी आई से यू आई पे भी जा सकते हैं, और दो वर्टिसेस के दरमियान एक ही एज होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे। आपने जो है वो डिटरमिन करना है कि क्या पाथ एग्जिस्ट कर रहा है फ्रॉम नोड ए टू नोड बी। गिवन एजेस एंड द इंटीजर एन सोर्स एंड डेस्टिनेशन रिटर्न ट्रू इफ देयर इज अ वैलिड पाथ और अदरवाइज फॉल्स। तो ये प्रॉब्लम की इनपुट देखते हैं। इनपुट ये एन इक्वल टू 3 एजेस, सोर्स 0, डेस्टिनेशन 2, और ये ट्रू आ रहा है। एग्जाम्पल 2 देखते हैं, इसमें एजेस आपके इनपुट जो है वो एन आपके पास 6 वर्टिसेस है, एजेस दिए हुए हैं, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन जो है वो 3 है, ये मिसटाइपिंग है, इसको ये करेक्शन अपने पास कर लीजिएगा। 0 से 3 के दरमियान कोई पाथ नहीं है, तो इसलिए फॉल्स आ रहा है। तो अब इस प्रॉब्लम को अच्छा ये बात मैं एक और इंटरेस्टिंग शेयर कर लूं कि इस प्रॉब्लम को जब मैं सॉल्व करता हूं तो मैं स्टूडेंट्स की पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर सकूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और स्टूडेंट्स की अप्रोच क्या हो सकती है, मैं उस पर जाता हूँ। यानी इसको अगर मैं एक ब्रूट फोर्स तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता, छोटी छोटी सी इनपुट्स हैं तो बड़े आसानी से ये सॉल्व भी हो सकता है, लेकिन लेकिन जब इतनी बड़ी इनपुट आती है तो फिर टाइम का इशू आ जाता है, टाइम लिमिट एक्सीड कर जाती है। ये तो छोटी इनपुट है, इससे भी बड़ी इनपुट जो है वो इसी प्रॉब्लम में गिवन थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये इस तरीके से नहीं होना, इसको जो है वो टाइम को कैसे इंक्रीज किया जाए, इसके अगेंस्ट जो है वो एक एडजेसेंसी लिस्ट बनानी है। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के बाद क्या करना है, एक विजिटेड की अरे ले लें जिसको सबको फॉल्स कर दें कि अभी तक हमने कोई वर्टेक्स विजिट नहीं किया, और DFS परफॉर्म कर दें डेप्थ फर्स्ट सर्च विद ओरिजिनल सोर्स एंड डेस्टिनेशन। आपको इनपुट में कोई एक सोर्स और डेस्टिनेशन मिला हुआ है, उसके ऊपर आपने DFS परफॉर्म कर देना है, ठीक है। अच्छा, आप ब्रेकफास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन DFS जो है वो यहाँ पे ज्यादा आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है, और हमें चूंकि पता नहीं है कि BFS जल्दी करेगा या DFS जल्दी करेगा, तो हम DFS से इसको रन कर देते हैं, ठीक है। DFS अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ तो जरूर पढ़ें, डेप्थ फर्स्ट सर्च, इससे ग्राफ के बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होते हैं। किसी वक्त हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे, फिलहाल हम इसको यूज कर रहे हैं और आपको समझ लग जाएगी। अगर आपने डेप्थ फर्स्ट सर्च नहीं भी पढ़ा हुआ तो ये कैसे काम कर रहा है ये समझ लग जाएगी, आसान है। अच्छा जी, कहता है एक एक्सटर्नल कॉल दें एक रिकर्सिव फंक्शन को विद ओरिजिनल इनपुट, ठीक है, जो आपके पास ओरिजिनल सोर्स और डेस्टिनेशन है उसके साथ बाहर से कॉल भेज दें एक रिकर्सिव फंक्शन को, जो कि चेक करके बताएगा पाथ है कि नहीं, ठीक है। तो वो कैसे चेक करेगा, सबसे पहले वो एक काउंट जो है वो आपके पास चेक करेगा कि क्या काउंट जो है वो काउंट आपने वहां भेजा था ऊपर से, ठीक है, इसको 0 करके काउंट को भेजा था कि जो 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 नोड जो है जो जो वर्टेक्स विजिट करते जाओ उसके साथ साथ काउंट भी करते जाओ, ताकि अगर आपके पास टोटल नोड विजिट हो जाए और पाथ ना मिले तो फॉल्स रिटर्न कर सकें, ठीक है।
अगर आपके पास काउंट इक्वल टू टोटल अमाउंट्स नहीं है तो आप उसको वन से उसको इंक्रीमेंट कर दें और जो करंट सोर्स है उसको विजिटेड कर दें, यानी अब आपने वापस नहीं आना करंट सोर्स पे, वरना साइकिल बन जाता है ग्राफ के अंदर। अब आप जो है वो जीरो से फॉर एग्जाम्पल वन पे चले गए हैं, तो वन से फिर आगे टू थ्री की तरफ जाना है, वापस जीरो पे नहीं आना, ठीक है? तो आपने इसको ट्रू कर दिया सेट वेरिएबल को। अब आपने देखना है कि अगर आपने जो भी करंट सोर्स है उसके साथ अगर आपको कोई भी ऐसा अगर तो आपको उसमें डेस्टिनेशन मिल जाए एज, तो आप ट्रू रिटर्न कर दें। अगर आपको डेस्टिनेशन एज नहीं मिल रहा और आपको कोई भी ऐसा नोड मिल जाए जो कि अनविजिटेड है, यानी आप वन से फाइव पे जाना चाह रहे हैं, वन से फाइव पे तो एज नहीं है लेकिन वन से टू पे एज है जो कि अनविजिटेड है, तो आप टू से जाके देखें क्या टू से फाइव पे जाता है, ठीक है? तो आप उसी फंक्शन को दोबारा कॉल भेज देंगे, ओरिजिनली 1.5 था अब 2.5 कर देंगे, वो 2 वाला आके देखेगा 2 से 5 पे नहीं है लेकिन 2 से 4 पे है, तो वो फिर इस एल्गोरिथम को कॉल कर लेगा 4.5 से। तो ये इस तरह से चलता रहेगा जब तक कि आपके पास डेस्टिनेशन नहीं आ जाती या सारे के सारे नोड विजिट नहीं हो जाते। अगर सारे नोड विजिट हो जाएंगे तो भी ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, डेस्टिनेशन आ जाएगी तो ट्रू रिटर्न कर देगा, वरना ये रिकर्सिवली कॉल आगे से आगे करता जाएगा। हाँ, अलबत्ता अगर आपके पास इसको कोई भी नोड ऐसा नहीं मिल रहा जो अनविजिटेड है या जो के जिस पे पाथ एग्जिस्ट करता है, यानी टू पे आप चले गए हैं और टू के आगे कोई नहीं है, ठीक है, वापस आ गए, अब आपने वन पे देख लिया, वन से टू पे जाता था, वन से फोर पे जाता था, फोर के आगे भी कोई भी नहीं एज आ रहा, तो फिर वापस आ गए, आप वापस जीरो पे चले गए कि भाई जीरो से वन पे जो है ना वो नहीं पाथ है, अब आप जीरो से देखें अच्छा फाइव पे तो नहीं जाता, थ्री पे जाता है, थ्री पे भी नहीं जाता, जीरो से फोर पे जाता है, हाँ जीरो से फोर पे भी जाता है, फोर से फाइव पे जाता है, अगर जाता है तो यस ट्रू, अगर फोर से भी फाइव पे नहीं जाता, ठीक है, तो इसका मतलब जीरो से कोई भी आपके पास ऐसा वर्टेक्स नहीं है जहाँ पे आप जा सकते हैं, तो भी आप क्या करेंगे स्टॉप कर देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम है लीट कोड का, इसका मैंने स्टार्ट पे लिंक भी दिया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, इसको भी जरूर कीजिएगा और एडजेसेंसी लिस्ट जो है उसको जरूर बनाइएगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।